तो फाइनली गाइस आ चुका है हमारे पास स्पोर्ट वेल्डिंग का नया स्टॉक। और आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं आपको सारी चीजें इसमें जो है दिखाने वाला हूँ। और हमारे पास लास्ट टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसमें कौन सा बोर्ड निकल के आएगा, ओरिजिनल बोर्ड रहेगा डुप्लीकेट बोर्ड रहेगा। भाई गाइज काफी सारी ऑनलाइन साइट्स पे स्पोर्ट वेल्डिंग जो है क्वालिटी की नहीं मिल रही है। जो बोर्ड है उसमें जो क्वालिटी मिलती है वो बेकार है, डायरेक्टली उसमें जो मोस्फेट्स लगे रहते हैं वो बेकार होते हैं और कुछ टाइम के लिए चलते हैं, मतलब 2 से 3 दिन चलते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली खराब हो जाते हैं। और ये जो है ये रिपेयर भी नहीं होते हैं क्योंकि ये चाइना से इम्पोर्ट होता है माल, तो डायरेक्टली उसमें आपको जो है एक भी मोस्फेट या फिर कॉम्पोनेंट जो है एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है आप अगर परचेज कर ही रहे हैं और आपका बजट यहाँ पे जो है 1500 से 1600 या फिर 1700 रुपये, तो गाइस एक बार यहाँ पे इस वाली स्पोर्ट वेल्डिंग को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 1200-1300 रुपये में जब आप ले रहे हो कोई चीज, तो 100 से 200 रुपये और उसमें डाल के आप जो है क्यों ना अच्छी क्वालिटी का परचेज करो माल। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ये डायरेक्टली चाइना से इम्पोर्ट हुई है और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये स्पोर्ट वेल्डिंग रहने वाली है और काफी सारे भाइयों ने इसको परचेज भी किया है और यूज भी किया है। कुछ भाइयों को यूज करने ही नहीं आते, तो वो हमें बोलते हैं भाई आपकी स्पोर्ट वेल्डिंग इस तरीके से काम ही नहीं कर रही है, कितनी एम्पीयर की बैटरी लगेगी इस पे, कैसे यूज होती है कैसे यूज नहीं होती है। तो भाई देखो पहले आप जो इसको सीखो किस तरीके से कैसे काम करती है, उसके बाद आप जो है इस चीज को परचेज करो, क्योंकि महंगी चीज है। परचेज करने के बाद आपको यूज ना हो तो कोई दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फिर ऑप्शन नहीं रहेगा कि भाई आपको जो है अमाउंट जो है आपका वो ऐसा का ऐसी चले जाएगा। तो भाई पहले वीडियो चेकआउट किया करो, उसके बाद आपको जो है पूरा प्रॉपर उसके बाद देखो परचेज करना है नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो वायर की। उसके बाद आपको जो है इसमें कुछ मैनुअल मिलती है, तो मैनुअल भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें देखो गाइस यहाँ पे जो है पूरी मैनुअल इसमें दिखाई गई है किस तरीके से कैसे कैसे आपको करना है ये, और ये चाइना लैंग्वेज लिखी हुई है बिकॉज चाइना से इंपोर्ट है। यहाँ पे पीछे की साइड में इंग्लिश में भी है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, कौन सा इनपुट वायर है कौन सा आउटपुट वायर है, कहाँ पे कितने एम्पीयर की बैटरी आपको यूज़ करनी है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कौन सी बेटर रहेगी नहीं रहेगी, ST60 कनेक्टर आपको इसमें यूज़ करना है, तो मैं आपको वो भी दिखाया था। ST60 कनेक्टर जो है हमारे पास जो है आ चुके हैं, तो डायरेक्टली उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और उसमें भी इम्पोर्ट वाला माल आया है, मतलब इम्पोर्टेड माल आया है, तो इसको भी चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। तो XT60 कनेक्टर आ चुके हैं, मेल फीमेल दोनों में आ चुके हैं, और गाइस इसमें भी जो है क्वालिटी आती है, तो भाई एक बार जो है इस वाली क्वालिटी को भी चेकआउट कर लेना। कुछ सॉकेट्स ऐसे देखे हैं मैंने कि लगे लगे जो सॉकेट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे पिघल जाता है, बेकार हो जाता है, प्लास्टिक कमजोर वाली डली होती है उसमें, देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। तो भाई एक बार इस सॉकेट को भी चेकआउट कर लेना, क्वालिटी में एक नंबर निकल के आएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है इसमें मेल फीमेल दोनों सॉकेट देखने के लिए मिलते हैं, और कंपनी जो है सबका यार चाइना है, बस क्वालिटी में डिफरेंस होता है कि किस क्वालिटी का आप माल जो है परचेज कर रहे हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेल फीमेल ये रहे, तो डायरेक्टली आप जो है जब भी आप बैटरी का कनेक्शन करो, क्योंकि हाई एम्पर में होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा XT60 को यूज करो या फिर XT90 को यूज करो, ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे भी बड़ी बैटरी जितनी भी होती है, जितने जिसमें हाई एम्पियर होता है, ड्रोन वगैरह की बैटरी होती है, उसमें XT60 कनेक्टर सबसे ज्यादा यूज करते हैं या फिर XT90 यूज करते हैं। उसका पर्पज क्या रहता है, एक तो इसकी जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा सही रहती है, और प्लस में इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आती है, एक बार कनेक्ट कर दो तो जल्दी से कोई भी इशू नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है आपको स्पोर्ट वेल्डिंग इस टाइप की देखने के लिए मिलेगी, बाकी इसमें जो है कुछ आपको निकल स्ट्रिप देखने के लिए मिल रही है। देखो यहाँ पे निकल स्ट्रिप भी देखने के लिए मिल रही है, और अब यहाँ पे चलो बोर्ड को ओपन कर लेते हैं और बोर्ड देखते हैं कि आखिर बोर्ड किस क्वालिटी का निकल के आ रहा है हमारे पास। सो गाइज ये क्वालिटी आपकी जो है बोर्ड की रहने वाली है, आप एक बार प्लीज एक बार इसको जो है ध्यान से देख लो, चेकआउट कर लो क्या कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं, किस क्वालिटी की रहने वाली है ये। अगर आपको यही बोर्ड सेम देखने के लिए मिलता है अदर साइड पे, तो डायरेक्टली आप जो है परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इससे डुप्लीकेट दिख रहा है, एक ब्लैक कलर में बोर्ड आता है, तो वो जो है डायरेक्टली डुप्लीकेट है, ठीक है। 1200 से 1300 रुपये में मिल जाता है, काफ़ी सारी साइट्स पे, मैं नाम तो नहीं ले सकता साइट्स का, लेकिन उन पे जो है सभी पे मिल जाता है। तो बाकी आपको जो है अगर चेकआउट करना है इसको, तो आप हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आपको वहाँ से सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसमें ये स्विच दिए हुए हैं, इसमें कुछ मोड के लिए है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं इसमें, और मोस्फेट्स ये रहे, मोस्फेट की क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं एक बार। और एक बात और है गाइस, ये मोस्फेट जो है एक बार यहाँ से अगर डैमेज हो जाता है, वैसे तो जल्दी से डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर बाई चांस डैमेज हो जाता है
तो ये मोसफेट जो है आपको इंडिया में नहीं देखने के लिए मिलेंगे, रिपेयर ये नहीं होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा हम हर किसी को बताते हैं, तो आप इसको यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, अब कोई चीज़ बनी है यूज़ करने के लिए बनाई गई है, तो डायरेक्टली डैमेज भी होगी, कभी ना कभी ख़राब भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक बार लो और परमानेंट के लिए आप इसको यूज़ करते रहो, कभी ख़राब ही नहीं होगी चीज़। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है कभी ना कभी ख़राब हो ही जाती है, तो ये भी ध्यान रखना, आज नहीं तो कल का। लेकिन इसका जो है ना लॉन्ग लॉन्ग टाइम है, काफ़ी टाइम बाद यूज़ होती है, मतलब काफ़ी टाइम बाद जो है जाके ख़राब होगी शायद, ठीक है। तो बाकी चेकआउट कर लेना आप इसको, क्वालिटी में एक नंबर की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रही है इसमें, स्पोर्ट वेल्डिंग में। तो जिस भी भाई को लेना है डायरेक्टली चेकआउट करो। और बैटरी वगैरह के एम्पियर जो है, काफ़ी सारे भाई बोलते हैं भाई एम्पियर मतलब बैटरी जो है, मतलब स्पोर्ट वेल्डिंग जो है वो स्पोर्ट नहीं कर रही है। तो भाई प्रॉपर ये देखो पहले तो कि आपकी जो बैटरी है वो कितने एम्पियर की लगी हुई है। इस मैनुअल में आपको सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, कितने एम्पियर की आपको इसमें बैटरी यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है, कौन से पॉइंट पे कौन से मोड पे चलानी है, तो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, पता चल जाएंगी। प्रॉपर ये मैनुअल आपको इसीलिए ही दिया हुआ है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी हमारे पास ये स्टॉक नया आया है जो कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, हर उसमें जो है आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बॉक्स खाली है, डायरेक्टली बॉक्स सारे फिलअप हैं। और इसका जो रेट है गाइस, इसका जो रेट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, जिस तरीके से इसके कंपोनेंट की क्वालिटी दी गई है, तो उस चीज़ में माइंड मत करना, क्वालिटी आपको A1 मिलने वाली है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके परचेज कर लो, बाकी प्रॉपर चेकआउट करने के लिए आपको जो है वेबसाइट पे चेकआउट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो।